सो हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल राजमड़ी एक्शन में। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं गाइस, जोकर का हर बार भारत पर झूठे इल्जाम लगाए, तो देखते हैं गाइस क्या झूठा इल्जाम लगाया है इन कोर्पियों ने। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बन रहना, और गाइस जो भी इस वीडियो पे नए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन में मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन मुलव्विस है? हम मोस्टली जो पाकिस्तान में होता है उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं। क्या आपको लगता है इसके पीछे इंडिया मुलव्विस है? ये अब इस दफा ये नहीं चलेगा कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, इसी तरह जो है बेनज़ीर को कत्ल किया गया, ज़ाला को कत्ल किया गया, तो जो उसके पीछे यही कोई पता नहीं चला कि कौन था उनके पीछे। लेकिन अब आवाम सब कुछ जान चुकी है, आवाम अब बाशऊर हो चुके, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और कौन कौन इसके पीछे कौन है और कौन हैंडलर्स है और कौन इसके पीछे कूदते हैं। सर, एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे सर के बल खड़े हुए खान साहब। दूसरे एक और आलू आपको, आपने जो आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अच्छा, अभी ये हमारे एंकर भाई जो है उनकी तो लॉटरी निकल गई ना, अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये। अच्छा। प्रोग्राम सरहद पार से बना था। अच्छा, ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूँ मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश CIA ने की है, इसमें मुसाद आई थी इसराइल से, अरे उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर, ये ड्रामा क्यों इस सब चीज का इंतजार। और दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पिस्टल के अंदर गोलियां 6 होती है, बंदे जख्मी 14 है। ये हम ट्वीट है, ये भी मैंने पढ़ी 5 मिनट पहले, उन्होंने कहा गोलियां 6 है, बंदे जख्मी जो है 14 है, एक गोली में और दो बंदे मारे। सर कंटेनर पे भी एक ही गोली का निशान है और कंटेनर के अंदर भी कह रहे हैं। आरजू, आपके कोर कमांडर पिशावर के घर पे हमला हो चुका है, उसके बाद आपके सनाउल्लाह साहब जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके घर पे हमला हो चुका है, गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के वो कह रहे हैं कि जला देंगे हम, साड़ देंगे, भस्म कर देंगे। भी रिसेंटली जो खान साहब पर अटैक हुआ है उसको लेकर इंडिया की तरफ से बयान आया है, स्टेटमेंट आया है, और इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम इसके ऊपर जो अभी अटैक हुआ है या जो लॉन्ग मार्च है, कड़ी नजर रखे हुए हैं इस अटैक पर। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम खान साहब वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं, खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये जो पैगाम आया इंडिया की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी इंडिया से आपको पैगाम आया है, ये आपको इंटरनेशनली तौर पे भी जो है ना, वो हर कंट्री से आपको पैगाम आएंगे, और इसकी जो है वो ये पहले तो जो है ना मजम्मत करते हैं कि वकुआ होना ही नहीं चाहिए था, और सेकंड जो है कि देखिए मेरी बात सुनिए, इमरान खान जैसा बंदा अगर हमारी इस कंट्री में महफूज नहीं है, जो सबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, और अभी भी मकबूल तरीन फेमस तरीन, बिल्कुल नेशनल हीरो भी हैं और बिल्कुल मकबूल तरीन लीडर भी हैं, और हम खुद उनके सपोर्टर भी हैं, अगर उनके वो इस कंट्री में महफूज नहीं है तो आम आवाम, ये जो हम सब खड़े हैं, इन कैसे महफूज हो सकते हैं और हमारे बारे में सवालिया निशान है। एक साइड पे हम रहते हैं पाकिस्तान, कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन कंट्री है, पुरअमन मुल्क है, और दूसरी साइड पे जब देखा जाए कि इंडिया ने अपनी टीम को यहाँ पर आने से इनकार किया, सिक्योरिटी इशू की वजह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो आगे वर्ल्ड कप होने वाला है यहाँ पर नहीं भेजेंगे, तब हमने बहुत से इश्यूज किए। अब ये ऐसे वाकयात होंगे तो लोगों को तो बात करने का मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंडिया की टीम वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं भिजवा रहे, उनकी बात भी समझने वाली है, समझने वाली है, और हम यही कह रहे थे बार बार, हम ये कह रहे थे कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा इशू नहीं है, पुरअमन लोग हैं। अब क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? जहाँ पे इमरान खान महफूज नहीं है वहाँ पे वो, उनके लिए हम क्या कह सकते सर, क्या कहेंगे आज के हादसे के हवाले से? इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला किया गया है, आपके क्या जज्बात हैं और क्या तासुरात हैं? पहले तो हम ये कहेंगे कि बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, जमहूरियत का खात्मा हुआ है, जमहूरियत पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, अगर जमहूरियत होती तो ये चीज ना होती। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हम राणा सनाउल्लाह को समझते हैं, हम सब समझते हैं, ये नहीं कि मैं समझता हूँ। जो इंडिया ने कुत्ता भेजा है ना यहाँ पे जमहूरियत को खत्म करने के लिए, वो राणा सनाउल्लाह है।
उसके अलावा कुछ भी राणा सनाउल्लाह का ही ये बयान है। अभी सुनने में आ रही है, खबर आ रही है कि ये राणा सनाउल्लाह ने ही करवाया है। जो मुजरिम पकड़ा गया उसने यही बताया कि ये राणा सनाउल्लाह ने करवाया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की जानिब से उन्हें भेजा गया है? ये गलत बात है, राणा सनाउल्लाह के होते हुए इंडिया की जरूरत नहीं है हमें। हाँ जी, अच्छा, और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं करेगा। हमारी ISI है, जो पाक फौज है, ये भी इस टाइम चोरों डाकुओं के साथ मिली हुई है। हमारी पूरी जमहूरियत खराब कर चुके हैं ये। अच्छा, पाकिस्तान में जो कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं कि इंडिया का किया धर है, क्या इसका जिम्मेदार भी इंडिया को ठहराया जाएगा? नवाज शरीफ के होते हुए इंडिया की जरूरत नहीं है हमें, इंडिया के ऊपर हम नाम नहीं ले सकते। जब तक हमारे मुल्क में डाकू है, हमें क्या जरूरत है इंडिया का नाम लेने की? डाकू भी है, कातिल भी है। राणा सनाउल्लाह सबसे बड़ा कातिल है। आप क्या चाहते हैं, अब इसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? हम ये कहते हैं कि इबरतनाक सजा मिले राणा सनाउल्लाह को, उसके अलावा किसी को ना मिले। अगर उसके बाद मिले तो मरियम नवाज को मिले और शहबाज शरीफ को मिले, जो इस टाइम जो इसके हकदार है। अगर बच जाए तो जरदारी को, बिलावर को मिले। हम इनके सीनों को चीर देंगे। क्या हम आजाद नहीं है? नहीं, ये किसने कहा आजाद? 75 साल से आजाद नहीं, आप कैसे कह सकती है आजाद है? हम कहते हैं हमने कश्मीर को आजाद करवाना, जब हम ही आजाद हैं, हम कश्मीर को कैसे आजाद करवाएंगे? जब तक ये हम पर मुसल्लत है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें इनसे जान छुड़ाना, सबसे पहले इनसे जान छुड़ाएंगे, बाद में हम आगे सोचेंगे। इंडिया के जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से पैगाम आया है कि हम ये सारे मामले पर कड़ी नजर रखे हैं, ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर कड़ी नजर रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले ही लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, जहां पर जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं और इस टाइम सबसे मकबूल लीडर हैं वो महफूज नहीं है। आप, मैं और ये आम आवाम, आम पब्लिक महफूज है पाकिस्तान में? मैं सर एक ही बात करूंगा, ये जो ना नून लीग वाले हैं ना, ये सारे महफूज हैं। ये महफूज? हाँ जी, ये सब महफूज हैं। अच्छा, कोई लंदन भागा हुआ है, कोई बगोड़ा भागा हुआ है, कोई जनाब अपना अमेरिका भागा हुआ है, ये सब महफूज हैं। आप महफूज हैं? हम भी नहीं महफूज, हम कैसे महफूज हैं? ठीक है, इनको कहना चाहता हूँ कि तुम सीधे हो जाओ, अब हम आ रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो वाकया पेश है इसके पीछे सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब या जो नून लीग है यही है, इसके अलावा कोई हैंडलर्स नहीं है? ये शहबाज शरीफ है, राणा सनाउल्लाह है। हम इंशाल्लाह इनको इस्लामाबाद से निकालेंगे और इनको इबरत का निशान। आज हमला इमरान खान पर नहीं, पूरे मुल्क रियासत अवाम 22 करोड़ अवाम पर हमला हुआ है और इसके जिम्मेदार जो है वो रियासत जिम्मेदार होती है। इंडिया को हम हमेशा ब्लेम करते आए हैं, अभी रिसेंटली इस बात पे ब्लेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे जी उन्होंने अपनी टीम यहाँ नहीं भेजी। टीम या आपको पता ही होगा कि उन्होंने इनकार किया था, हम टीम नहीं भेजेंगे। ऐसे वाकयात पेश आए जहाँ पर जो एक साबका प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है, अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर महफूज नहीं है, तो वो अपनी टीम भेजे यहाँ पर, क्या समझते हैं हमारा कसूर है उनका कसूर है? यार देखें, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारा एक इमेज गया है वो मेरे ख्याल में बहुत गलत गया है। और चाहे वो इंडिया हो या हमारा कोई भी मुहालिफ मुल्क हो, सबकी नज़र इस दौर में सोशल मीडिया की वजह पे सब पे है। तो मैं समझता हूँ कि यार जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये एक रीज़न मिल गई है उन्हें मजीद हमें इस बात पे क्रिटिक। अच्छा, ये वैलिड रीज़न नहीं है? ये वैलिड रीज़न नहीं, बहुत वैलिड रीज़न है, ये बहुत वैलिड रीज़न है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि अब तो उनका क्रिटिसाइज करने का हक बन गया। बिल्कुल बनता, हमें ये सच को मानना है, ये हम सच मानेंगे, ये यूथ में हम मिलकर इस सच को मानेंगे, इस पर वर्क करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत टाइम 75 साल हमने जो उनसे गेम खेली है क्रिटिसाइज करने की, हमने गेम ब्लेम गेम खेली है, अब हमें खुद को देखना है, खुद को बेहतर करना है। ऐसे वाकई जब पेश आएंगे तो फिर हम किसी दूसरे कंट्री को कह सकेंगे कि वो हमारे बारे में बेहतर नहीं सोचता? बाहर वाली कंट्री को तो नहीं इल्ज़ाम लगा सकते ना, हमारे अपने अंदर थोड़ी वो है। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं किसी को इंडिया वाले तो नहीं करवा सकते। इंडिया वाले क्यों करवाएंगे, उनका क्या मुफाद है? हमारे यहाँ पे अपने जो मुल्क के दुश्मन है वो ही नहीं खत्म हो रहे, बाहर से दुश्मन तो बाद में, बाहर की तो जरूरत नहीं है जब अंदर ही इतने दुश्मन हैं तो। मजा आया, कुछ भी हो मतलब सब कुछ इंडिया पे ही थोप देता है। तो गाइस बहुत सारी चीजें थी, आप लोग वीडियो देखे, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा और आप क्या है क्या नहीं है। तो गाइस वीडियो काफी अच्छी थी, और गाइस जो भी इस वीडियो पे नए हैं, जिन्होंने तो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे और इन पोर्कियों का आप जवाब सुनते रहे क्या बोलता है गाइस। मतलब कुछ जो समझदार है वो तो समझ गया, अब जब खुद के घर में ही बीत रहा है तो दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकता है कोई।
तो गाइज वीडियो जैसी भी लगे हो कमेंट में जरूर बताना, और गाइज आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।